नमस्कार जी, न्यूज इंडिया के परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के करौली जिले के सपोटरा के बुकना में विगत दिनों एक पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जिंदा जला देने के बाद सर्व समाज के लोगों में उपजा आक्रोश अभी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पुजारी बाबूलाल वैष्णव को संपूर्ण न्याय दिलवाने हेतु वह प्रदेश मंदिर माफी की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाने के लिए गुरुवार को फाइट फॉर राइट संस्था के अध्यक्ष सुनील उद्दिया के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों के लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सर्व समाज के लोगों ने 22 गोदाम सर्किल से रैली निकालकर सिविल लाइन्स से होते हुए मुख्यमंत्री निवास पर जाने का प्रयास किया, परंतु पुलिस धारा 144 का हवाला देकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस पर लोगों ने मंदिर माफी की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करवाने व सपोटरा के मृतक पुजारी बाबूलाल वैष्णव को न्याय दिलाने के लिए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सुनील उदैया ने कहा कि राज्य सरकार एक आदेश जारी कर पूरे प्रदेश में मंदिर माफी की जमीनों की सूची बनाकर वे इन जमीनों को भूमाफियाओं दबंगों से अतिक्रमण मुक्त करवाकर जनता की इस मांग का प्राथमिकता से निपटारा करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने सरकार को पीड़ित परिवार की सहायता करने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य सरकार सपोटरा के पुजारी बाबूलाल वैष्णव के हत्याकांड की निष्पक्ष जांच SIT से करवाए। साथ ही इस पूरे प्रकरण में हत्या को आत्महत्या में बदलकर सरकार की छवि खराब करने वाले सपोटरा SHO को नार्को टेस्ट करवा इस घटना में लिप्त राजनेता या अन्य दबाव देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। उदैया ने क्षेत्रीय विधायक इस हत्याकांड में भूमिका की भी जांच करने की मांग की। सुनील उदैया ने कहा कि सपोटरा हत्याकांड में पीड़ित परिवार को संविदा पर नहीं अपितु स्थायी सरकारी नियुक्ति दी जाए व पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए देने की बजाय 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करे। उन्होंने कहा कि स्वर्ण आयोग का गठन भी किया जाए जिससे स्वर्ण को सुनवाई के लिए एक उचित मंच मिल सके। इस दौरान फाइट फॉर राइट के सौमेंद्र सारस्वत, सौमित्र भारद्वाज, रवि गौतम, तरुण मुदगल, राजेंद्र तिवारी, रविकांत शर्मा, सचिन, कपिल कौशिक व बजरंग दल से निरंजन शर्मा, नितेश खंडेलवाल आदि विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, सपोटरा की जो घटना हुई उसके बाद में ये एक बड़ा मुद्दा है कि प्रदेश में इतनी जमीन है, इस तरह की मंदिर माफी की है। हम लोग चाहते हैं कि ये सारी जमीनों का एक सरकार ध्यान में लाए, उनको अतिक्रमण मुक्त करें, इसके लिए कोई कानून बनाए, दिशानिर्देश जारी करें। दूसरा हमारी मांग है कि उस परिवार को संविदा पर नियुक्ति दी गई है जो उचित नहीं है, उनको स्थायी नियुक्ति उनको दी जाए और मुआवजा राशि भी उनको बढ़ाई जाए। हमने 50 लाख की मांग पहले दिन SMS से की थी लेकिन वो नहीं हुई। और हमारी सबसे बड़ी प्रमुख मांग है कि वहाँ प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक की क्या लिप्तता रही इस मुद्दे में, क्यों ये प्रकरण ढीला हुआ, अभी भी उस प्रकरण में मतलब अच्छी कार्रवाई एक नहीं चल रही है, इसलिए क्षेत्रीय भूमिका और जनप्रतिनिधियों की भूमिका की जांच की जाए।